नाम एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज पास्ता मसाला बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम स्पाइरल पास्ता लिया है। आप चाहे तो कोई और शेप का ले सकते हैं। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम पास्ता बॉईल कर लेंगे। मैंने 1 लीटर पानी लिया है, इसमें आधा चम्मच नमक डालने के बाद इसमें अब हम पास्ता डाल देते हैं और 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल के इसे मिला लेंगे। मस्टर्ड ऑयल डालने से पास्ता बहुत ज़्यादा चिपकता नहीं है। पास्ता को हम 10 मिनट तक बॉईल करेंगे, इसका कलर चेंज हो गया है। हमें इसे ओवर कुक या अंडर कुक नहीं करना है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। पास्ता को हम छान लेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देती हूँ। ठंडा पानी डालने से ये बिल्कुल अलग अलग रहेगा। तुरंत ही इसे स्ट्रेन कर लेंगे। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई गर्म करेंगे। उसमें 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल को गर्म होने देंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 3 मीडियम साइज प्याज कटा हुआ डाल के उसे 1 से 2 मिनट पकने के बाद उसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। उसे 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। अब हम इसमें 1 कप मटर डालेंगे। मटर डाल के इसे 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आधा चम्मच नमक डाल के इसे 4 से 5 मिनट तक हम पका लेंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। अब हम इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता डाल देंगे। एक चम्मच नमक, नमक हमने पहले भी डाला था इसीलिए हिसाब से डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। अब मैं इसमें मैगी मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया, चाहे तो हरा धनिया ना डालें। अब फ्लेम ऑफ कर लेंगे। पास्ता को हम प्लेट में निकाल लेंगे। पास्ता हमारा तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।